हे गाइस वेलकम बैक अगेन। अगर आपका भी फ्री फायर खेलते समय नेटवर्क प्रॉब्लम होती है एंड आपका जो पिंग होता है वो 999 प्लस पर चला जाता है, देन गाइस इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिस पर मैंने बहुत सारे सेटिंग्स को भी बताया, लेकिन ये वीडियो उन सारे वीडियो से काफी ज्यादा अलग रहेगा। हम सभी इस वीडियो पर ये भी जानेंगे यानी कि अगर 999 प्लस पर पिंग चले तो क्या हमारा आईडी भी बैन हो सकता है। सो देखो, जब हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर 999 प्लस पिंग होता है देन हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए, जब भी हम लोग कोई मैप पर लूट कर रहे होते हैं देन वहां पर काफी स्लो लूट चलती है। नंबर टू, हमें अपने लॉबी पर बहुत सारे नेटवर्क ग्लिचेस भी मिलेंगे, जैसे कि गेम को स्टार्ट ना कर पाना, और नेटवर्क के कारण हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है लैग प्रॉब्लम। हाँ, जब भी हमारा नेटवर्क स्लो होता है देन हमारा गेम भी लैग करता है। सही बात है। तो देखो, बेसिकली पिंग प्रॉब्लम का दो रीजंस होते हैं, नंबर वन जो कि होता है नेटवर्क स्लो, और नंबर टू जो कि है फ्री फायर ग्लिच। सो ट्रिक नंबर वन, तो नेटवर्क इशू होने पर तुम लोग फ्री फायर को खेलने से पहले कुछ ट्रिक्स को फॉलो करो। तो देखो, ये दो सेटिंग सभी के मोबाइल्स पर अवेलेबल होगी। अब सेटिंग पर ढूंढो या फिर तुम लोग अपने कंट्रोल पैनल को नीचे करके देखो, तुम्हें दोनों जगह पर ये सेटिंग मिलेगी। नंबर वन पर है पावर सेविंग मोड और दूसरा है अल्ट्रा डेटा सेविंग। ये दोनों सेटिंग अगर तुम्हारी ऑन है तो इसको सिंपली ऑफ कर लेना। अब अगर तुम्हें कंट्रोल पैनल पर ना मिले देन तुम लोग मोबाइल के सेटिंग पर देख सकते हो। सिंपली सेटिंग पर तुम्हें सेम चीज को सर्च करना है, जैसे कि पावर सेविंग मोड। बेसिकली पावर सेविंग मोड का यूज करने पर तुम्हारी बैटरी काफी धीरे धीरे डाउन होगी और तुम्हारे मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा समय तक टिकेगी। चल झूठा। लेकिन ये सेटिंग तुम्हारे बैकग्राउंड पर चल रहे बहुत सारे एप्स एंड बहुत सारे चीजों को ब्लॉक करती है, और इससे भी तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क स्पीड भी स्लो हो सकती है। इसी तरह से अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड भी तुम्हारे डेटा को बचाती है और तुम्हारे 1.5 GB डेटा ही काफी ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन इससे भी मोबाइल का नेटवर्क काफी ज्यादा स्लो होता है। ट्रिक नंबर टू, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस पर बताया कि नेटवर्क स्लो होने पर तुम्हें अपने एरोप्लेन मोड को ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी ऑन एंड ऑफ करने का सही तरीका तुम्हें पता नहीं है। चले धूम। तुम्हें कभी भी इसे ऑन एंड तुरंत ऑफ नहीं करना, यानी कि एरोप्लेन मोड को ऑन एंड ऑफ करने के बाद जब तुम्हारा नेटवर्क सही से आ जाए तभी जाकर तुम लोग कंट्रोल पैनल को ऊपर करना। अब देखो, आगे के ट्रिक्स को बताने से पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगा लैग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ट्रिक्स पर। एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि मेरा फोन नया है एंड उसका मोबाइल 8 GB रैम का है, लेकिन फ्री फायर पर अपडेट आने के बाद उसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि तुम सभी अपना मोबाइल मुझे दे दो। और दूसरे ने कमेंट किया कि 75 का पिंग रहता है लेकिन फिर भी नेटवर्क स्लो। तो हमेशा से याद रखना कि जब भी 75 का पिंग चले एंड नेटवर्क स्लो तो ये कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये फ्री फायर का एक छोटा सा ग्लिच है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें गेम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड ये ग्लिच आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है एंड इसका यूज करके आप लोग 2 GB 3 GB या फिर किसी भी मोबाइल पर अपने पिंग को सॉल्व कर सकते हो। और भले ही आपके एरिया पर अच्छे से नेटवर्क वर्क ना कर रहा हो लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे पिंग पर गेम खेल सको, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर गेम वॉर्टेक्स लिख कर सर्च कर एंड सिंपली आप लोगों को इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसको ओपन करने पर आपके मोबाइल पर जितने भी गेम्स है वो यहाँ पर शो करेंगे, तो सिंपली उस गेम पर क्लिक करो, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे पर मिलेगा ऑप्टिमाइज, इसको क्लिक करने पर आपको दो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको राइट साइड वाले क्लेम पर क्लिक करना पड़ेगा एंड इसके बाद ऊपर पर मिलेगा सेटिंग का एक ऑप्शन। तो सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलेंगे, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर मिलेगा पिंग स्टेबलाइजर, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है एंड बस नीचे वाले ऑप्टिमाइज पर जैसे ही क्लिक करोगे देन तुम्हारा गेम ओपन हो जाएगा एंड सच बताऊं तो तुम्हारा पिंग पहले से काफी अच्छा चलेगा। तो देखो, हमारे इधर रात को काफी स्लो नेटवर्क चलता है लेकिन इसका यूज करने के बाद रात को भी हमारे पास अच्छे पिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहले गेम ओपन नहीं होता था लेकिन अभी मैं कुछ अच्छे पिंग पर खेल पा रहा, तो एक बार तुम लोग इसको भी यूज करके देखना।
तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या हमारा फ्री फायर आईडी बैन हो सकता है। तो देखो, रिसेंटली बहुत सारे भी बैज यूट्यूबर्स का आईडी बैन हुआ था। एग्जांपल के लिए स्वयं, जिसके चैनल पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये कहना है कि स्वयं के आईडी का बैन होने का कारण हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हुआ था। लेकिन मेरी मानो तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा आईडी का बैन होने के कारण तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर फ्री फायर के रूल्स को देखे तो वहाँ पर ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं। और इसका प्रूफ भी है कि स्वयं ने अपनी आईडी को रिटर्न कर लिया, यानी कि अनबैन करा ली। इससे पता चलता है कि ये कोई मिस्टेक के कारण बैन की गई थी, जो कि अनबैन हो गई।